गाइस वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल अनुअनवे ब्लॉग। आज हम लेके आ चुके थे ढेर सारे पैंट्स फ्रॉम मीशो, क्योंकि आज हमें ट्राई करना था हाईएस्ट वर्सेस चीपेस्ट, और हमें देखना था कि अगर हम लोग कम पे देंगे प्रोडक्ट्स ऑर्डर तो वो कैसा आएगा, और अगर हम लोग हाई पे देंगे तो वो कैसा आएगा। क्वालिटी तो ऑब्वियसली डिफरेंट रहेगा। तो सबसे पहले हमने बाय कर लिया था ये व्हाइट कलर का पैंट, एक्चुअली ऑफ वाइट था और यह बहुत ही प्रिटी आया जो था, लेकिन मैंने साइज पे जो मैंने दिया था उससे वो एक साइज ज़्यादा ही बड़ा गया, तो मुझे थोड़ा सा वो ढीला फिट हुआ। लेकिन इसका प्राइस था 1400 समथिंग इसका प्राइस था जो कि मीशो से दिया था, क्योंकि क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था तो एकदम वर्थ इट था। लेकिन साइज पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका, लेकिन हम इसको वेयर कर सकते हैं, तो मैं इसको दूंगी 10/7, क्योंकि इतना ज़्यादा भी मुझे अच्छा नहीं लगा। सो लेट्स गो टू द सेकेंड वन, और सेकेंड वन था ब्लैक कलर का ये वाला जीन्स। हमने सारे बैगी पर ऑर्डर किया था, कुछ भी हम लोगों ने स्किन टाइट ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि विंटर सीजन था और वहाँ पर ज़्यादा स्वेटर्स के साथ बैगी ज़्यादा अच्छा लगता है, और क्रॉप टॉप्स के साथ भी। और ये ब्लैक कलर का हमने ऑर्डर कर दिया था, ये शायद हमें पड़ा था 1500 समथिंग का जो हमने मीशो से ऑर्डर किया था, और इसका क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। पहले जो हमने ऑर्डर किया था उसका क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि वो 500 पे था, लेकिन ये वाला बहुत ही परफेक्ट आया। उसके बाद हमने ऑर्डर कर दिया था एक जीन्स का बैगी, वो बहुत ही अच्छा आया था पैंट, और इसका क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ये शायद सबसे ज़्यादा हाइएस्ट ये वाला ही था, क्योंकि 1700 समथिंग का हमें पड़ चुका था, और बार बार से मुझे कॉल्स आ रहे थे, क्योंकि कल मेरा प्रोजेक्ट सबमिशन है, तो पापा से मैं बहुत सारी चीज़ें निकाल रही थी साइबर से जाके। तो ये वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसका क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था, और काफ़ी क्लासी लग रहा था ये जब मैंने पहना। ये थोड़ा सा नीचे जो फटा हुआ था, मम्मी तो बोल रही थी फटा हुआ जीन्स ऑर्डर कर दिया क्या, अच्छा कपड़े नहीं, तुम लोग कभी भी अच्छा कपड़े नहीं खरीद सकते। सो गाइज लेट्स मूव टू द चीपेस्ट पैंट फ्रॉम मीशो। और अभी जो हम लोग फर्स्ट दिखाने वाले थे वो था, हम लोगों ने खरीदा था ब्लैक कलर का ट्राउज़र टाइप पैंट था, और उसके साथ एक जीन्स का था, ये हमें बहुत ही ज़्यादा कम पे पड़ चुका था। गाइज आप लोग यकीन नहीं करोगे, ये वाला हमें पड़ा था 278 का, आप लोग सोच सकते हो, लेकिन यार क्वालिटी वाइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे ये, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप लोग ज़्यादा ब्रांडेड पे लोगे तो पैंट्स ब्रांडेड पे ही खरीदना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। फिर जो हम लोगों ने ये वाला खरीद चुका था, ये शायद मुझे मिल चुका था 200 समथिंग पे, 203 पे मिल चुका था ये वाला मुझे। सो ये भी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसका क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था। उसके बाद मैंने ऑर्डर कर चुका था एक ब्राउन कलर का पैंट और एक ब्लू कलर का पैंट। सो ये वाला जो ऑर्डर किया था ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ये मैं घर पर भी पहन सकती थी, ऐसा टाइप का आया था, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यार। और ये वाला जो था, ये था ब्राउन पे मैंने एक ऑर्डर किया था, और इसका क्वालिटी भी इतना बुरा नहीं था, पहनने के बाद कुछ अलग ही लग रहा था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये वाला पैंट खरीद के, तो ये तो वर्थ इट था मेरे लिए पूरा। और उसके बाद जो खरीदा था, उसके बाद खरीदा था हमने एक नेवी ब्लू पे, डीप नेवी ब्लू था वो पैंट, जो कि बहुत ही अच्छा था, और ये वाला मुझे पड़ चुका था 400 का पड़ चुका था ये वाला मुझे, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा था, मैंने नहीं सोचा था इतना अच्छा आएगा, और धोने के बाद इसका कलर भी नहीं जाने वाला बिल्कुल भी। और उसके बाद ऑर्डर कर दिया था एक ग्रीन कलर, ग्रीन नहीं ये ग्रे कलर का था, और ये वाला भी अच्छा था, आप लोग कोई भी ड्रेस के साथ आप लोग ये वेयर कर सकते हो, टॉप्स के साथ क्रॉप टॉप्स वगैरह। सो गाइज इतना था कि हमारा वीडियो था, मिलते हैं आपको अगली वीडियो पे, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमने जो इतने सारे पैंट्स खरीदे वहाँ में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन पर हमें ज़रूर बताना, और ढेर सारा प्यार देना।